अलग अलग पड़ाव तय करते हुए आज यहाँ चंडीगढ़ में पहुंची है। संत समागम हुआ और यहाँ की जो चंडीगढ़ की सांझी बालता टीम ने हमें मंच प्रदान किया, यहाँ पर अपनी विचार की रखने के लिए हमें सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोग जो आए हैं उनका भी धन्यवाद, एक एक कदम उनका चल के आया, सांझीवाल यात्रा के विचार की को ग्रहण करने के लिए हमारे सर माथे पर संतों ने जो सांझीवालता का उपदेश देना था संतों ने अपना काम कर दिया है। अब हमें जो संतों ने भक्ति आंदोलन के नायिका का जो उस समय रोल रहा भारत को सुदृढ़ रखने में, भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उन्हीं के विचारों का यहाँ प्रचार किया गया। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करके घर लेके जाएं, आस पड़ोस में इन विचारों की चर्चा करें, ताकि पूरे भारत देश में, पूरे चंडीगढ़ में, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे हिमाचल में हमारा सांझीवालता का संदेश जाए और घर घर ये चर्चा हो कि हमें जो समाज में कुरीतियां अभी भी व्याप्त है उनको जड़ से खत्म करना है और भारत को जाति विमुक्त करना है, जो सबसे बड़ी कुरीति है। और आपके सहयोग के बगैर, संतों ने जो बोला, जो विचार रखे, प्रवचन किए, वो आप लोगों के बगैर सिरे नहीं चढ़ पाएंगे, समरसता नहीं आ पाएगी अगर आपका सहयोग ना मिला तो मैं इतना ही हाथ जोड़कर कहूँगा कि जो विचार की संतों ने रखी है, फिलॉसफी फलसफा, उसको ग्रहण करके प्रचार करें, प्रसार करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। बोले सोनिहार।